हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में हमने आपको मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में बताया था, एंड आई होप कि आप सब लोगों ने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन या आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हर साल की तरह इस साल भी हम आपको टॉप 5 बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में बताएंगे आज के अपने इस वीडियो में। अक्सर हमारे पास कुछ लमसम अमाउंट होता है तो हम सोचने लगते हैं कि इसे कहाँ और किस फंड में लगाएं। आप में से हमारे कई सब्सक्राइबर्स भी हमसे पूछते रहते हैं कि अभी लमसम में इन्वेस्ट करना है तो किस फंड में इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, आज हम इसी लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको सब कुछ डिटेल में बताएंगे, जो कि आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट फॉर 2020। इस वीडियो के एंड में फ्रेंड्स, हम आपको आज एक बोनस टिप्स भी देंगे ताकि आप अच्छे से अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकें और आपकी सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। आप बस जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो हमारी राय होगी कि आप डेट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करें। इक्विटी में आप SIP ही करें, लमसम ना करें। हमने पिछले कई टॉप 5 लमसम वीडियोस में आपको बताया है कि आपको डेट फंड्स ही क्यों सेलेक्ट करना चाहिए लमसम के लिए। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है कि डेट फंड ही लमसम के लिए क्यों सही है, तो आप आई कार्ड पर क्लिक करके लमसम पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये तो क्लियर हो गया कि आपको लमसम के लिए डेट फंड ही सेलेक्ट करना चाहिए, लेकिन डेट फंड्स में भी कई कैटेगरीज होते हैं, तो आपको किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे कि आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप बैंक से ज़्यादा रिटर्न पा सकते हैं। इन फंड्स में रिस्क एकदम लो होता है और ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तुलना में बहुत कम वोलेटाइल होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखें फ्रेंड्स कि ये एक म्यूचुअल फंड है और कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। ये मार्केट के और भी कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम आपको इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल के साथ बताएंगे कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बस आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहें। तो चलिए आइए फटाफट देख लेते हैं टॉप 5 बेस्ट लमसम इन्वेस्टमेंट को, यानी कि टॉप 5 बेस्ट फंड्स को लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स, आज हम आपको एक लिक्विड कैटेगरी से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लो ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन और एक लार्ज कैप कैटेगरीज के, इन सभी कैटेगरीज के हम आपको आज एक एक फंड्स बताएंगे। तो हमारा सबसे पहला फंड है लिक्विड कैटेगरी से फ्रैंकलिन इंडिया लिक्विड फंड। ये फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा फंड है। इसने अपने बेंचमार्क को स्टार्टिंग से ही बीट किया है और ये लगातार ही स्टेबल रिटर्न जनरेट कर रहा है काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न काफ़ी अच्छा है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न भी इसका अच्छा है सभी टाइम पीरियड में। रिस्क इसमें काफ़ी कम है कैटेगरी से और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से ज़्यादा है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है 6.71%, थ्री ईयर्स का है 7.04%, फाइव ईयर्स का है 7.44%। कैटेगरी है इसका लिक्विड, रिस्क ग्रेड इसमें लो है। फंड इन्फो की बात करें तो इसका फंड हाउस है फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2005 में। बेंचमार्क है इसका क्रिसिल लिक्विड। AUM इसका ₹12,529 करोड़। इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, पल्लव रॉय और उमेश शर्मा। ये दोनों ही मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.12% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.86% है। यहाँ पर फ्रेंड्स हम देखें तो इसके डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.12% ही है केवल। एग्जिट लोड की बात करें तो 0.0070% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक दिन के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अगर आप दो दिन के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो 0.0065% का एग्जिट लोड लगेगा। तीन दिन के अंदर निकालते हैं तो 0.0060%, चार दिन के अंदर निकालते हैं तो 0.0055% का एग्जिट लोड लगेगा। इसी तरह एक एक दिन के बाद आपका 0.0005% का एग्जिट लोड कम होता जाएगा। इस फंड में आप 1 to 90 days के लिए इन्वेस्टमेंट करें। अब हमारा दूसरा फंड है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म कैटेगरी से SBI मैग्नम अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। ये फ्रेंड्स अच्छा फंड है। इसने अपने बेंचमार्क को स्टार्टिंग से ही बीट किया है और इस फंड ने भी लगातार ही स्टेबल रिटर्न जनरेट किया है काफ़ी लॉन्ग टाइम पीरियड से और लगातार ही ये स्टेबल रिटर्न जनरेट करता आ रहा है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसमें इसका परफॉर्मेंस बेंचमार्क से अच्छा है सभी टाइम पीरियड्स में, लेकिन कैटेगरी से इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न फ्रेंड्स इसका सभी टाइम पीरियड्स में अच्छा है।
रिस्क इसमें कैटेगरी से कम है और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से ज़्यादा है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है 7.92%, थ्री ईयर्स का है 7.64%, फाइव ईयर्स का है 7.77%। कैटेगरी है इसका अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, रिस्क ग्रेड इसमें लो है। फंड इन्फो की बात करें तो इसका फंड हाउस है SBI म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 28 मई 1999 को। बेंचमार्क है इसका निफ्टी अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट। AUM है इसका ₹12,192 करोड़। फंड मैनेजर है राजीव राधाकृष्ण। मिनिमम SIP फ्रेंड्स आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें SIP अलाउडेड नहीं है, मतलब कि आप इस फंड में SIP इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.34% और इसके रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। इस फंड में आप 3 to 6 मंथ के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। तीसरा फंड है हमारा लो ड्यूरेशन कैटेगरी से एक्सेस ट्रेजरी एडवांटेज फंड। ये फ्रेंड्स अच्छा फंड है, इसने लगातार ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है स्टार्टिंग से ही और ये स्टेबल रिटर्न जनरेट करता आया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न बेंचमार्क से तो काफ़ी अच्छा है लेकिन कैटेगरी से उतना अच्छा नहीं है। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न इसका अच्छा है, रिस्क इसमें कैटेगरी से काफ़ी कम है और रिटर्न पोटेंशियल कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है 9.12%, थ्री ईयर्स का है 8.11%, फाइव ईयर्स का है 8.35%। कैटेगरी है इसका लो ड्यूरेशन, रिस्क ग्रेड इसमें लो है। फंड इन्फो की बात करें तो इसका फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 9 अक्टूबर 2009 में। बेंचमार्क है इसका निफ्टी लो ड्यूरेशन डेट TRI। AUM है इसका ₹5,239 करोड़। फंड मैनेजर इसको दो इस फंड को दो फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं, आदित्य पगारिया और देवंग शाह, ये दोनों मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। मिनिमम SIP आप 1000 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.27% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.57% है। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं है। इस फंड में आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। फोर्थ फंड है शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी से SDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड। ये फ्रेंड्स अच्छा फंड है, इसने स्टार्टिंग से ही अपने बेंचमार्क को बीट किया है और लगातार ही स्टेबल रिटर्न जनरेट करता आया है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो इसका एनुअल रिटर्न काफ़ी अच्छा है बेंचमार्क और कैटेगरी से। ईयरली ट्रेलिंग रिटर्न इसका काफ़ी अच्छा है, रिस्क इसमें कैटेगरी से काफ़ी कम है और रिटर्न पोटेंशियल ज़्यादा है कैटेगरी से। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है 10.81%, थ्री ईयर्स का रिटर्न है 8.23%, फाइव ईयर्स का है 8.56%। कैटेगरी है इसका शॉर्ट ड्यूरेशन, रिस्क ग्रेड इसमें लो है। फंड इन्फो की बात करें तो इसका फंड हाउस है SDFC म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 1 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 25 जून 2010 में। बेंचमार्क है इसका ग्रेसिल शॉर्ट टर्म बॉन्ड। AUM है इसका ₹11,026 करोड़। फंड मैनेजर है अनिल बम्बोली। मिनिमम SIP आप 300 से कर सकते हैं इस फंड में। एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.19% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.39% है। एग्जिट लोड इसमें कुछ भी नहीं लगेगा। इस फंड में आप 1 से 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान करें। अब हमारा पांचवा और आखिरी फंड है लार्ज कैप कैटेगरी से एक्सेस ब्लू चिप फंड। अब ये इक्विटी फंड है फ्रेंड्स, इसलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप इस फंड में SIP ही करें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी आप इस फंड में लमसम इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड होने के नाते यह वोलेटाइल है। हालांकि ये एक लार्ज कैप फंड है इसलिए इसमें और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की तुलना में कम रिस्क है, लेकिन फिर भी हम सजेस्ट करेंगे कि आप बाकी के चारों में ही लमसम करें। चलिए अब इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस टेबल में देखिए, इसका वन ईयर का रिटर्न है 23.35%, थ्री ईयर्स का है 19.96%, फाइव ईयर्स का है 12.48%। कैटेगरी है इसका लार्ज कैप, रिस्क ग्रेड इसमें लो है। फंड इन्फो की बात करें तो इसका फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड। इसके डायरेक्ट प्लान को लॉन्च किया गया था 2 जनवरी 2013 में और रेगुलर प्लान को लॉन्च किया गया था 5 जनवरी 2010 में। बेंचमार्क है इसका निफ्टी 50 टोटल रिटर्न। AUM है इसका ₹11,077 करोड़। फंड मैनेजर है श्रेयस देवलकर। मिनिमम SIP आप 500 से कर सकते हैं इस फंड में।
एक्सपेंस रेशियो है इसके डायरेक्ट प्लान का 0.63% और रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो 1.74% है। एग्जिट लोड की बात करें तो 10% से ज़्यादा के यूनिट निकालने पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप एक साल के अंदर अपना पैसा निकालते हैं तो। अब फ्रेंड्स बात करें बोनस टिप्स की, तो आप चाहें तो इन सभी फंड्स में एसटीपी भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको आपकी फिक्स्ड अमाउंट पर सेविंग बैंक अकाउंट या बैंक एफडी से ज़्यादा रिटर्न मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी होता रहेगा, जिससे कि आपको एक काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। तो ऐसे में फ्रेंड्स अगर आपने अपनी सेविंग बैंक अकाउंट में इमरजेंसी फंड से ज़्यादा पैसे रखे हैं तो आपको उसे म्यूचुअल फंड्स में लमसम या एसआईपी या एसटीपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड्स सर्कल में, ताकि वो भी आसानी से लमसम के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकें। हमने फ्रेंड्स इस वीडियो को काफ़ी रिसर्च और मेहनत करने के बाद बनाया है, इसीलिए आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर अभी भी आपका लमसम इन्वेस्टमेंट या इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो उसे हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आप चाहें तो इन सभी फंड्स में ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं बड़े आसानी से। जाते जाते फ्रेंड्स हमारे और सभी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और कोरा पर भी आप हमको फॉलो करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी प्लेटफॉर्म्स का लिंक मिल जाएगा। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।